हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम लोग आए हैं हरदोई, और हरदोई में आज आपको दिखाएंगे हरदोई की नुमाइश जो है कितनी लग चुकी है, क्या बाकी है लगने को, और कितनी क्या लग चुकी है, कितनी मार्केट लग चुकी है, और कौन कौन से झूले लग गए हैं, सारा को दिखाएंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं जहाँ पे अभी है। अभी हम लोग थे कुंती नर्सिंग होम के सामने, और यहीं से हम लोग जा रहे हैं अभी नुमाइस देखने के लिए, मतलब क्या क्या लगा हुआ है सारा कुछ दिखाएंगे, और वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर आपको कोई वीडियो में पार्ट कहीं पर का बोरिंग लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कौन सा पार्ट बोरिंग था, तो हम लोग उसे इम्प्रूव करेंगे आज से। और आज से हम लोग इम्प्रूवमेंट सिर्फ आपसे ही जानकर करेंगे, जो आप बताएंगे वैसा ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जब तक पहुँचते हैं, और उससे पहले हम लोग दिखाते हैं, तभी यहीं पे है कुंती नर्सिंग होम के आसपास, और यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते। जब मैं अभी इंटरव्यू कर रहा था ना, सो अभी वहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं था अभी, तो वहाँ पे दो लोगों ने मुझे टोक लिया और टोकने लगे कि वीडियो क्यों बना रहे हो मेरे घर का। तो मैंने उसको समझाया, भाई मैं आपका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो समझ गया बहुत। और पहले एक बाइक लेके जा रहे थे, वो हमें चौका कि वीडियो से बना रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद एक और बच्चे ने चौका, हम मेरा ठीक है बस नहीं बनाएंगे, बल्कि अपना वीडियो बना रहे हैं हमने, तो वीडियो दिखा दिया, अरे ठीक है बनाओ। तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं, यही सिचुएशन हुआ था बीच में अभी, इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रक करना पड़ा मुझे। चलिए चलते हैं अभी, थोड़ा कंपनी गार्डन पार्क साइड में आए हैं, और इधर से ही दूसरी साइड से गेट है, उधर से निकल जाएंगे हम लोग। और अभी काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पे, अब देख सकते हो कोई है नहीं ज़्यादा लोग। और आगे से गेट है, वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बाहर, और दिखाते हैं नॉइस कितना लगा पार्क। और इधर से जाने का रास्ता है ये, इधर ये लिखा ना औषधि, औषधि उद्यान, ये सामने से गेट है, और सामने से हम लोग निकल जाएंगे और वहाँ चौराहा पहुँच जाएंगे, और थोड़ी देर और लगेगी बस 1 मिनट। तो ये निकलने वाले हैं बस गेट से, और गेट से निकलते हैं, फिर आपको सामने ही दिख जाएगा झूला वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, कि यहाँ से पड़ोस से ही तो है, यहाँ से शायद नहीं दिख रहा है, आगे चलते हैं तब दिखेगा आपको झूला। चलने वाले हैं नुमाइश मैदान की ओर, और ये दूसरी रोड है, मेन गेट नहीं है ये। हम लोग नुमाइश में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सामान वगैरह है, बच्चे वगैरह लग रहा है, और इधर शायद कुछ बोल रहा हूँ लागत या खंड वगैरह कुछ जो भी हो रहा होगा, तो नहीं पता है अभी क्या हो रहा है, बट यहाँ पे देखो दुकानें लग रही हैं, और इधर ये झूला एक नया लग रहा है यहाँ पे, वहाँ पे ट्रेन लग रही है, वहाँ पे बच्चों के लिए झूला लग रहा है, और यहाँ पे मौत का कुआं भी लगाया जा रहा है, काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, और सामने देखो झूला लग गया है, और ये देखो। तो अभी नुमाइश में ज़्यादा दुकानें लगी नहीं है, जो भी लगी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और एकदम नहीं लगा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और झूले सारे लग चुके हैं बट अभी लग रहे हैं, जो भी बचा हुआ उतार रहे हैं बता रहे हैं लोग दुकानें लगा रहे हैं। सामने देख पा रहे हो यहाँ पे एक दुकान जो है वो कम्प्लीट लग चुकी है, यहाँ पे लोग सामान भी खरीद रहे हैं, बाकी यहाँ पे ऐसे ही एक दो चार दुकानें लग चुकी हैं जो जिसपे सामान बिक रहा है, और बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो बंद हैं, सामान लग चुका है फिर भी बंद कर रखा है, और बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिसमें सामान लग रहा है, सफाई कर रहे हैं लोग और सामान सजा रहे हैं, कोई दुकान बना रहा है, सारा कुछ काम चल रहा है। ये देखो यहाँ पे दुकान सारी बंद है और लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और उधर भी आपको झूला साइड दिखाते हैं, यहाँ पे देखो दुकान लग चुकी है, पर थोड़ा बहुत जो काम है वो कर रहे हैं लोग, सामान वगैरह रख रहे हैं सही से, और काम ज़ोरों से चल रहा है। और सामने देखो झूला बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, जो भी है थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी, वैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी 4-5 दिनों में। और सॉफ्टी बिकने लगी है, सॉफ्टी भी बिकने लगी है, सॉफ्टी सबसे पहले बिकनी स्टार्ट होती है और सबसे बाद तक बिकती है, और ये देखो झूला इधर ही पहले इधर ही लगा था और फिर इधर ही लगा है, लेकिन मत्स्य मेला में दूसरी जगह पर लगा था और अब ये दूसरी जगह पर लगा है, और शायद से उस झूले से बड़ा है, लग तो रहा है उस झूले से बड़ा है जो मत्स्य मेला में लगा था। और यहाँ पे देखो ये झूले लग चुके हैं, और लोग यहाँ पे अभी चालू नहीं है बट वर्किंग में है, जब भी थोड़े बहुत दिनों में चालू हो जाएगा। और सामने लिखा है शायर कैफे, बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो
अबे गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये पेंट हो रही हैं, पेंट कर रहे हैं लोग नया दिखाने के लिए। ये प्रवेश शुल्क, प्रवेश द्वार, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे सामान वगैरह सब कुछ लग रहा है। और ये देखो दुकानें लग गई हैं। देखो मैसरी मैसरी सॉफ्टी, सुपर सॉफ्टी लग चुकी है जो कि चालू भी हो गई है। और यही दुकानें हैं। ये देखो इधर कपड़े की दुकान चालू हो गई है, 150 रुपये में, 200 रुपये में सब कुछ लगा हुआ है। और ये देखो ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे दुकानें अभी लग रही हैं लेकिन इनवॉइस लगी नहीं है। इसे लगी नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि वर्किंग इन्हें 2-4 दिनों में लग जाएगी। वो बात अलग है कि यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें लग चुकी हैं, 4-5 दुकानें। अभी मैं आपको एक रो आइडिया बताऊँ तो यहाँ पे कम से कम 10 से 12 दुकानें लग चुकी हो जो कम्प्लीटली चाहिए था। और बाकी अभी तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि ये देखो दुकानें अभी काम चल रहा है लेकिन दुकानें अभी लगी नहीं हैं पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ा बहुत काम जो है वो बचा हुआ है। और लोग टेंट वगैरह लगा रहे हैं, खटिया वगैरह, चारपाई वगैरह, सब कुछ जो भी है अपने हिसाब से लगा रहे हैं। यहाँ पे कुआँ है, टेंट, ये भाई साहब पता नहीं क्या कुआँ है या नाला है, जो भी हो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।